दो परिवारों की दावेदारी में फंसा लापता मासूम। दो परिवारों की दावेदारी में फंसा लापता मासूम, असमंजस में फंसी चाइल्ड लाइन ने बच्चे को पहुंचाया आगरा के शिशु गृह। आपको बता दें कि बीते दिनों पूर्व थाना सहावर के गांव बेहता में मिला था बच्चा। दोनों परिवार बच्चे पर अपना अपना दावेदारी बता रहे हैं। एक परिवार घर से भागा हुआ अमित, दूसरे परिवार से खोया हुआ मयंक बता रहा है बच्चे को। डीएनए रिपोर्ट से होगा बच्चे के असली माता पिता का खुलासा। दो परिवार बच्चे पर अपनी दावेदारी जता रहे हैं। एक परिवार घर से भागा हुआ अमित और दूसरे परिवार से मयंक, उस बच्चे का नाम बताया जा रहा है। दो परिवार एक ही बच्चे पर अपनी दावेदारी बता रहे हैं। अब बता दें आपको कि फिलहाल डीएनए टेस्ट के बाद ये खुलासा हो पाएगा कि आखिर ये बच्चा किस फैमिली का है। और ऐसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रशांत सोनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? ये आपको बता रहा है कि बीते कुछ दिनों पूर्व सावर थाना क्षेत्र के बैठा गांव है, बैठा गांव के पास रेलवे लाइन के पास रेलवे फाटक के पास से एक बालक मिला था जिसको चाइल्ड केयर वाले लेके आए थे। वहीं उस बच्चे की जब शिनाख्त की गई तो उसके दावेदार दो परिवार निकले। एक परिवार तो उनको बता रहा है कि यह उनका अमित है जो घर से भाग गया था, और दूसरा परिवार यह बता रहा है कि उनका पुत्र मेले में खो गया था मयंक नाम का, लेकिन चाइल्ड केयर वाले फंस गए हैं। इस चक्कर में उन्होंने उसको शिशु गृह आगरा भेज दिया है और बच्चे के डीएनए टेस्ट और परिवार के डीएनए टेस्ट का मिलान करके ही बच्चे को सुपुर्द किया जाएगा। प्रशांत, कब तक आएगी डीएनए टेस्ट, कब तक होगा और कब तक रिपोर्ट आएगी? आपको बता दें डीएनए टेस्ट तो यहाँ से सैंपल दे दिया गया है स्वास्थ्य विभाग द्वारा, अब ये जाँच कितने दिन में आएगी ये तो स्वास्थ्य विभाग ही बता पाएगा। जी प्रशांत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और बता दें आपको कि फिलहाल डीएनए टेस्ट सैंपल्स ले लिए गए हैं, जल्द ही रिपोर्ट आएगी और खुलासा हो जाएगा कि आखिर ये बच्चा किस फैमिली को बिलोंग करता है।